बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में लगातार देश में गम और गुस्सा है। लोग कई कंपनीज, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस के खिलाफ लगातार आरोप लगा रहे हैं। कई कंपनी सवालों के घेरे में हैं। यशराज के अलावा करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर सहित 30 सीरीज पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। यहां तक कि उनके खिलाफ बिहार में केस दर्ज किया गया है। लेकिन इस बीच पुलिस ने सुशांत राजपूत की गर्लफ्रेंड और मंगेतर रिया चक्रवर्ती से लगातार 11 घंटे पूछताछ की और उसमें रिया से कई सवाल पूछे गए। इस पूछताछ में रिया ने यशराज फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने यशराज फिल्म के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया था। सुशांत ने रिया से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को कहा था। रिया का ये बयान बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि यशराज फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था। लेकिन रिया का ये स्टेटमेंट पूर्व के बयानों से अलग है। पुलिस ने अपनी जांच में यशराज फिल्म से सुशांत के साथ कॉन्ट्रैक्ट को भी मांगा है, लेकिन रिया ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है उससे जरूर यशराज फिल्म को काफी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि इससे पहले बांद्रा पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत का पीआर हैंडल करने वाली राधिका निहलानी और पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी बातचीत की, उनका बयान दर्ज किया। साथ ही उनके खास दोस्त में सिटी से भी पूछताछ की गई। इसके अलावा तमाम लोगों से पूछताछ कर पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया, क्या वजह थी, ऐसा कौन सा दबाव था कि इस उम्र में सुशांत सिंह ने इतना बड़ा कदम उठाया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।